अब भाई सभी सई की बेटी है ये सच जानकर पाखी की टेंशन बढ़ गई है। अब ऐसे में पाखी बौखलाहट में क्या करने वाली है सई और सभी के साथ, तो चलिए आज के इस वीडियो में बताएंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ शिल्पी। भाई सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में काफी धमाका होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह पाखी जो है उसको जलन होने वाली है। ये तो हमने हमेशा से ही देखा है कि पाखी हमेशा से ही सही से चिढ़ती आई है, लेकिन इस बार उसकी जलन जो है वो साफ देखी जा सकती है। लीप के बाद फैंस भी बहुत इंतजार कर रहे थे कि पाखी अपना असली रूप कब दिखाएगी। पाखी जो है वो विराट के सामने और पूरे चवान हाउस के सामने जो एक सच का मुखौटा पहने हुए है वो कब उतरेगा, तो अब जल्दी उतरने वाला है। आज के एपिसोड्स की बात करें, क्योंकि आज सीरियल का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि पाखी जो है वो अश्विनी के सामने अपना सच कबूलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि उसकी बातों से उसकी सारी सच्चाई सामने आती हुई नजर आएगी। जहाँ फैंस बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भाई पाखी की सच्चाई कब आएगी, तो आपको बता दें पाखी की सच्चाई आज आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां विराट जो है सभी का पूरा ख्याल रख रहा है, ये सब देखकर पाखी को जलन हो रही है। पाखी के मन में कहीं ना कहीं ये है कि मेरी खुशियां तो भाई बर्बाद ही हो गई। जैसे ही सई उसकी लाइफ में आई, पाखी की खुशियां चली गई। अब पाखी इस बात की टेंशन में आ गई है, पाखी तो खुद को जलाने भी वाली थी। जी हाँ, आज आप देखेंगे कि किस तरह पाखी किचन में खाना बना रही होती है, क्योंकि जो विराट है उसने साफ साफ कहा कि सभी का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखना है और सभी के लिए ही गार्लिक ब्रेड और सूप बनाने के लिए पाखी किचन में खड़ी होती है। जहां वो ये सब सोचती रहती है कि कैसे विराट ने सभी को सबके सामने एक्सेप्ट किया, कैसे भवानी को भी विराट ने चुप करा दिया। अब विराट ने भवानी को चुप करा दिया तो मैं क्या चीज हूँ। इस बात से पाखी काफी ज्यादा परेशान है और पाखी की घबराहट साफ देखी जा सकती है। पाखी का दुपट्टा जो है वो गैस पर जलने वाला होता है, लेकिन इस हादसे से अश्विनी आती है और पाखी को बचा लेती है और पाखी से बोलती है कि मैं तुम्हारा दर्द अच्छे तरह से समझ पा रही हूँ, और पाखी को गले से भी लगा लेती है। पाखी जो है अश्विनी के कंधे पर गिरती है और खूब रोने लगती है। उसका फूट फूट कर रोना इस बात को साबित करता है कि उसको सई और सभी की कितनी ज्यादा टेंशन है कि अगर सई और सभी सच में विराट की लाइफ में वापस आ गए तो उसका तो पत्ता कट जाएगा। जिस बात से आप देखेंगे पाखी जो है अश्विनी को कहेगी कि मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है, अब तो सब कुछ सही होने लगा था, अब विनायक चलने लगा था और वहीं सई जो है सभी को लेकर दूर जाने लगी थी, यानी सई जो है वापस लौट जाती अपने गांव। लेकिन फिर देखो ये सब क्या हो गया, कैसे सई जो है फिर से हमारी लाइफ में वापस आ गई। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ दूर चला जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जैसे ही विराट को अब सभी की सच्चाई पता चली है तो विराट को तो सभी के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। जिस बात में आप पाखी को पकड़ देंगे कि पाखी फिर से भाई वही वाली पाखी है, क्योंकि पाखी जिस तरह से घबराई हुई दिखाई देगी कि सई और सभी के आने की वजह से कहीं उसका और विराट का पत्ता साफ ना हो जाए, यानी विराट के लाइफ में जो पाखी को प्रायोरिटी मिल रही है, जो चवान हाउस वाले पाखी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो प्रायोरिटी कहीं पाखी से छिन ना जाए। वहीं दूसरी तरफ बात करें सई की, तो सई भी भाई काफी परेशान है। सई ने तो पूरा पुलिस स्टेशन अपने सर पे उठाया हुआ है। सई कह रही है कि मुझे एक बार अपनी बच्ची के पास जाने दो और उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि क्या करना है मुझे विराट के साथ। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि DIG जो है वो सई की मदद करने वाला है और विराट के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि विराट ने एक इल्लीगल तरीके से सई को जेल में अंदर डाला है। और जिस बात के लिए सई बोल भी रही है कि अगर मेरे खिलाफ कोई FIR है तो वो मुझे दिखाई जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरे खिलाफ तो कोई FIR है ही नहीं। इस बात का सई जो है दावा ठोक रही है, लेकिन कोई उसके सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कांस्टेबल से हर पुलिस वाला जो है वो सब जो है विराट के साथ मिले हुए हैं और विराट तो यही चाहता है कि सई अब जेल में ही रहे। दूसरी तरफ सभी है जो विराट से बार बार कह रही है कि मेरी आई कहाँ है। अब इन सबके बीच में कैसे विराट जो है वो सई को क्या सच में निकालेगा बाहर, या सई को अब कौन निकालेगा, क्योंकि सई जो है उसने भी अपने लॉयर से बात कर ली है। अब उसकी लॉयर कौन है और कैसे सई जेल से बाहर आएगी और कैसे विराट को सबक सिखाएगी, और दूसरी तरफ पाखी की क्या अगली चाल होने वाली है सई और सभी को दूर करने के लिए, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दें।